दोस्तों, हमारे बॉलीवुड को देह व्यापार या अय्याशी का अड्डा कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में वो हर एक चीज जायज है जो हमारे हिंदुस्तानी समाज में बहुत ही शर्मनाक मानी जाती है। यहाँ लोग फिल्मों की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां तो ऐसी हैं जो इस गंदगी और हवस से भरे दलदल में अपने आप को धकेलने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और जब समझौते के दम पर वो कामयाबी हासिल कर लेती हैं तो उनकी नजर बड़े बड़े अभिनेताओं पर टिकी रहती है, जिससे कि वो अपने शरीर की भूख को शांत कर सके। ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों का आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं, तो इस वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में। रवीना टंडन ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली रवीना टंडन को बॉलीवुड में 27 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। उनका नाम एक वक्त पर अजय देवगन के साथ जुड़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अजय देवगन अब काजोल और अपने बच्चों के साथ कुशल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। जिस हीरोइन के साथ वो काम कर लेते थे वो उन पर फिदा हो जाती थी, उनमें से एक हीरोइन रवीना टंडन भी थी। अजय देवगन और रवीना टंडन की इस जोड़ी पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। ये बात उस समय की है जब अजय देवगन ने रवीना के साथ फिल्म दिलवाले में काम किया था। वो अजय के प्यार में पागल थी। दोनों के अफेयर की खबरें मैगजीन और अखबारों में छपा करती थी। उसी समय अजय करिश्मा के साथ फिल्म जिगर की शूटिंग कर रहे थे, तब अजय देवगन ने रवीना का हाथ छोड़कर करिश्मा का हाथ थाम लिया। यह सब देख रवीना डिप्रेशन में चली गई थी और यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तब अजय देवगन ने एक बयान में कहा था कि रवीना टंडन का सुसाइड अटेम्प्ट केवल पब्लिसिटी का बहाना था, वो बस थोड़ा लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही थी। वहीं रवीना का कहना था कि अजय ने उन्हें लव लेटर लिखे थे और अब वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। तब अजय ने कहा था कि रवीना को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है, ना वो कभी मेरी दोस्त थी और ना ही मैंने उन्हें भी प्यार किया, ये सब वो इमेजिन कर रही है। अजय ने ये भी कहा कि रवीना मेरे नाम से खुद को खत लिखती है, अगर उसमें हिम्मत है तो वो खत पब्लिश करके दिखाए। इतना ही नहीं, अजय ने एक इंटरव्यू में रवीना को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो उन पर इल्जाम लगाना नहीं छोड़ती है तो वो इतने राज खोलेंगे कि रवीना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तभी रवीना को फिल्म मोहरा मिली और अक्षय कुमार के साथ काम करते करते वो उनके प्यार में पड़ गई। तब कहीं जाकर वो अजय देवगन को भूल पाई थी।